हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यादव परिवार में। और आज से पूछेगा सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे, तो वहां से हमको पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न भी आप सब देखेंगे। स्टार्ट करिए। हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के सब्जेक्ट मैथ के बारे में, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सेट नंबर एक से लघुतरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखते हैं कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट किया है, जो हमसे अलग सेट किया है का ऐसा क्वेश्चन हुआ था हम लोग भी सेट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि एन एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि एन स्क्वायर माइनस वन आठ से विभाज्य है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एन यहाँ पे विषम पूर्णांक दिया है, आपको दर्शाना है कि एन स्क्वायर माइनस वन आठ से विभाज्य है, यही दर्शाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए बराबर एन स्क्वायर माइनस वन और एन यहां पे क्या है, विषम संख्या है, एन विषम पूर्णांक है। तो पहला विषम पूर्णांक अगर एन बराबर वन लेते हैं तो ए बराबर निकालेंगे तो एन स्क्वायर माइनस वन मतलब एक का स्क्वायर और माइनस एक, ये तो आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये तो जीरो है तो एक से चेक नहीं हो सकता है कि आठ से विभाज्य है। अब बोलिए तो जीरो जो है आठ से क्या है, छोटा है। जब भी हम लोग चेक करेंगे तो आठ से विभाज्य कौन होगा, या तो आठ के बराबर होगा या आठ से बड़ा होगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम सीधा अगर बना देते तीन रख के, तो बहुत लोग सोचते कि अच्छा एन बराबर एक काहे नहीं रखे हैं विषम संख्या, ठीक है। तो एन बराबर एक इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इस पर जो है वैल्यू आएगा एन का, एन का एक अगर रखेंगे तो ए का वैल्यू जो आएगा आठ से क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन विभाजित करने के लिए या तो आठ होना चाहिए या आठ से ऊपर भरे आगे होना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगला विषम संख्या हम लोग रखेंगे तीन, ठीक है, इसको नहीं रखेंगे, एन बराबर रखेंगे तीन। तो ए बराबर कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस एक मतलब तीन का स्क्वायर माइनस एक, तीन का स्क्वायर नौ और माइनस एक बराबर आठ होगा। बोलिए आठ जो है आठ से विभाज्य होगा, सर ये तो है आठ से विभाज्य, ठीक है। अगला रखेंगे एन बराबर, अगला विषम संख्या पांच, तो ए बराबर हो जाएगा पांच का स्क्वायर माइनस एक, पांच का स्क्वायर पच्चीस माइनस एक हो जाएगा तो चौबीस हो जाएगा, चौबीस आठ से विभाज्य है। लिखेंगे कि चौबीस आठ से विभाज्य है। इस प्रकार से आगे भी अगर लेते हैं एन बराबर सात, ए बराबर सात का स्क्वायर माइनस एक, तो उनचास माइनस एक बराबर अड़तालीस, ये भी क्या है आठ से विभाज्य है। तो इस प्रकार से आगे अगर हम विषम संख्या लेकर के चेक करेंगे तो सभी क्या होगा आठ से विभाज्य। अब यहाँ लिख देंगे अतः एन स्क्वायर माइनस एक आठ से विभाज्य है, ये जो है आपका प्रयुक्त किया गया, ये आपकी जो है फर्स्ट चैप्टर में जो दिया है ना विषम रूप में, इतना के रूप में लिखिए चाहे सम रूप में लिखिए, तो सब बताए थे उसी एक पे आधारित क्वेश्चन दिया था, दिया है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, कौन कौन आ भागा है, जो से नहीं बना है भागा, नौ सौ साठ, मान लेते हैं कि ए बराबर 960 और बी बराबर 432। इसका जो यूक्लिड विभाजन से हम लोग को एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है। देखिए आसानी से एक बार भाग विधि से भी रफ करते चलेंगे, मतलब 432 से 960 में भाग देंगे। यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से,
सिद्धांत याद होना चाहिए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होगा जीरो या जीरो से बड़ा और बी से छोटा हो जाएगा। चलिए तो पहला स्टेप 9 से 60 बराबर बी का वैल्यू 432 इंटू भाग देंगे 9 से 60 में, दो मरता पे भाग लगेगा। आगे आगे मत बोलना ठीक, आराम से देखा चुपचाप। तो ये 864 हो जाएगा, तो 10 से 4 गया 6, 15 से 6 गया 9 और ये वाला कट जाएगा। तो 432 से भाग दिए, दो मरतबे कटा, तो गुना 2 लिखेंगे और प्लस में शेषफल छानकर लिखेंगे ठीक है। फिर अगला स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, यहां पे आ जाएगा 432, तो 432 इधर लाएंगे एलएचएस में और भाग अब देना है 96 से, 96 से भाग देंगे तो इसको हम लोग चेक करते हैं, 5 मरतबे लग जाना चाहिए, 6 बचे 30, 9 बचे 45, 48 ज्यादा हो जा रहा है, 4 मरतबे लग जाएगा, 6 चौके 24 और 9 चौके 36 और 2 38, 12 से 4 गया 8, 12 से 8 गया 4 और इधर 50, मतलब 4 मरतबे अगर भाग लगेगा तो 48 से इस बचेगा, तो प्लस लिख दिए 48। अब लाएंगे इधर 96 को, फिर 48 से भाग देंगे तो सीधा हो जाएगा 48 दूनी 96, यहाँ पे 48 से भाग देंगे 96 में, रफ बगल में ही करते हैं ठीक है, तो कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब शेषफल 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, आर बराबर आ गया 0, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते चलते ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ ऑफ लिखेंगे 9 से 60 432, इसका एचसीएफ कौन है तो जिससे लास्ट जो है कटा है, मतलब अंतिम भाजन, तो कितना से कटा है 48 से, तो मसा कितना हो गया 48 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, मिला लीजिए जो बनाए। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 438 और 6 से 6 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ध्यान दीजिए। संख्या जो दिया है 438 है और एक को कितना दिया है 6 से 6 और शेष कह रहा है तो दोनों में से 6 घटा लीजिए, 6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 432, ये हो जाएगा 6 ठीक है। जब कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे तो उस कंडीशन में मसा निकालते हैं, फिर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे तो शेष को घटा लेंगे, घटा लिए, अब निकालेंगे हम लोग जो है मसा, 432 और 600 का मसा निकालेंगे, 432 और 600 का मसा, अब कोई भी विधि लगा सकते हैं, भाग विधि, यूक्लिड विभाजन, जैसे भी लगा लो। तो आइए यूक्लिड विभाजन से हम बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन तो 632 432 में है ना, 600 बराबर 432, 432 से भाग देंगे, दस से 2 गया 8, 9 से 3 गया 6, 5 से 4 गया, तो एक मरतबे भाग लगा और 168 शेष है। अब इधर ले आएंगे 432 को और 168 से भाग देंगे 432 में, तो 3 से अगर देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 मरतबे 8 दुना 16, 16 दुनी 32, 33, 12 से 6 गया 6 और ये बचा 2, तो 12 से 3 गया 9
और रिजल्ट करते हैं। कितना आया? 96। मतलब 168 से भाग दिए तो दो मरतबे कटा और 96 शेष आया। फिर से 168 में हम लोग भाग देंगे 96 से, ठीक है, 168 में भाग देंगे हम लोग 96 से। तो 96 से अगर भाग देते हैं तो एक ही मरतबे लगेगा, 8 से 6 हो गया 2, 16 से 9 हो गया 7। एक मरतबे कटा तो 96 गुना 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना 72। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। अब आगे 72 से भाग लगेगा 96 में, तो 96 इधर आएगा बराबर 72। फिर एक मरतबे भाग लगेगा, 6 से 2 गया 4, 9 से 7 गया 2, शेषफल यहाँ पे 24 आया। फिर अगले स्टेप में भाग देंगे 72 में, 72 में 24 से, तो हो जाएगा 24 दिया 72 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पड़ता है R बराबर 0 हो गया, अर्थात HCF क्या आ गया, 24 आया। मतलब 24 ही वह संख्या है जिससे पूरा पूरा वह संख्या दी गई है, कटेगा तो उसमें शेषफल कितना आएगा, 6। अभीष्ट संख्या बराबर 24 आंसर हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, और जांच करना हो तो भाग दे करके चेक कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए, जांच कर देते हैं, 438 में भाग दीजिए 24, तो 24 से कम 24, 13 से 4 गया 9, 3 से 2 गया 1, यहाँ हो गया 98, कटेगा 7, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 सत्ते 14, 2 16, और भी आगे दे सकते हैं ना, 68, 4, 72, 20, 24, एक मरतबे और देते हैं, 8 से देते हैं तो 8 चुका 32, 8 दूना 16, 3, 19, देखिए 8 से 2 गया 6, इधर कट गया, शेषफल 6 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से 606 में भी भाग देंगे 24 से तो 6 शेष आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चार नंबर, द्विघात बहुपद 5y2, 5y2 माइनस 13y और कितना है, माइनस 6। देखो समीकरण दिया है 5y2 माइनस 13y माइनस 6, इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे क्या, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर लेते हैं, 5 छक्के हो जाएगा 30, और गुना करेंगे तो 1 से 30 मतलब डिवाइड करेंगे 2 से 15, 3 से 10 और 5 छक्के 30, इससे किसी से नहीं आएगा ना, कहने गया 13 लाना है ना, 15 और 2 से आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, 2 और 15 से आ जाएगा 13, ठीक है। तो देखो 5y2 माइनस 15y प्लस 2y, तो 2 को y से 15 को y घटाएंगे तो माइनस 13y आ जाएगा ना, माइनस 6 बराबर 0। 5 कॉमन करते हैं, y भी कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस 5 दिया 15 प्लस यहां से 2 कॉमन होगा तो y और 2 दिया 6 माइनस 3 बराबर 0, ये दोनों में से एक तो कॉमन हो जाएगा y माइनस 3, तो y माइनस 3 इंटू 5y प्लस 2 बराबर 0, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो गया 3 और दूसरा हो गया 5y माइनस 2 बराबर 0, 5y बराबर इधर प्लस 2 और y बराबर ये 5 बटा में आएगा तो 2 बटा 5, मतलब y बराबर 1 तो 3 आएगा और दूसरा 2 बटा 5 आ जाएगा, इतना ये जो है इसका शून्य है, ठीक है। तो आज इसमें रहने देते हैं, कह गो 4 क्वेश्चन हुआ, फिर आगे बाकी जो है पढ़ा जाएगा।